हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल फ्यूचर विद नेचर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है इस तरीके के ग्रो बैग्स के ऊपर। हमारी छतों पे बढ़ते हुए वजन को देखते हुए ये जो आविष्कार है, या कह दीजिए कि ये जो एक गार्डनर्स के लिए बहुत बड़ा एक वरदान है टेरेस गार्डन के लिए, इस तरीके के ग्रो बैग्स। आपको इस तरीके के ग्रो बैग्स बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे ऑनलाइन। इसमें इस तरीके के छेद होते हैं नीचे ड्रेनेज के लिए, और ये बहुत ही हल्के होते हैं। और ये जैसा कि सेलर्स दावा करते हैं कि 2 से 3 साल तक आराम से चल जाते हैं। ये डबल लेयर्ड होते हैं, अंदर आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा, बाहर ग्रीन, और ये बहुत ही अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। हमारे पास ये 12x12 के हैं, और 24x24 का है, 6x24 का है, 12x24 का है, 18x18 का है। इन ग्रो बैग्स को भरने का तरीका ये होता है कि बेस पे आप सूखी पत्तियाँ, जूट, नारियल का छिलका इस तरीके से भर के पहले बैग को तैयार कर लीजिए। क्योंकि ये वजन को कम करने के लिए है, तो हमें इसकी सॉइल भी वेटलेस रखनी होगी, मीन्स कम से कम वजन वाली रखनी होगी, जिससे इन ग्रो बैग्स को मूव करना, और जैसा कि हमारा उद्देश्य ही है छत पे वजन को कम करना, तो हमने ग्रो बैग्स का वजन कम किया। अब हम इसकी मिट्टी का वजन भी कम करेंगे, और ये है दूसरी चीज़ जो हमारी मिट्टी के वजन को कम करेगी। दिस इज राइस हस्क। राइस हस्क में हमने मिलाई है गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल और राइस हस्क को आपस में मिक्स करेंगे। इसका रेशियो है 50% राइस हस्क, 50% गार्डन सॉइल। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं थोड़ी नीम की खली। नीम की खली जैसे कि एंटी फंगल का काम करती है, और पौधों को पोषक तत्व भी प्रदान करती है। ये है परलाइट। जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि परलाइट मिट्टी को पोरस बनाती है, और इसके कण पानी को होल्ड करके रखते हैं। ये हम डाल रहे हैं बोन मील, जो कि कैल्शियम का एक अच्छा रिसोर्स है। इसकी जगह आप स्टोन डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये है साफ फंगिसाइड। आप किसी भी तरीके के फंगिसाइड को यूज़ कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा, साफ, बवस्टीन, जो भी आपके एरिया में उपलब्ध हो। फिर इस मटेरियल को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है। अगर हम फुल मिट्टी को ही इस्तेमाल करें तो ये बहुत वजनदार मिट्टी बनेगी। तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता छत पे वजन को कम करने का, क्योंकि हमने गमलों का वजन तो कम कर दिया ग्रो बैग्स का यूज़ करके, पर अगर हम मिट्टी उसी तरीके की भारी भरकम यूज़ करते रहेंगे तो हमारा पर्पस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होता। इस मटेरियल को बनाने के बाद हमने पानी से गीला कर दिया है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये सारे तरीके के पेड़ों को ग्रो बैग में ग्रो करने के लिए बहुत ही आसान सॉइल है, बहुत ही कम वजनदार मिट्टी है। इसको भरते हैं। ग्रो बैग को भरने के लिए सबसे पहले हमें बेस में इस तरीके से पत्तियों को बिछा देना है, क्योंकि ड्रेनेज होल इसमें साइड्स में होते हैं, और इसमें हम ठीकरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम वजन करने के लिए हमने ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है, तो हर चीज़ कम वजन वाली ही यूज़ करेंगे। इस तरीके से पत्तियों को बिखेरने के बाद 1-2 इंच की मोटी लेयर हम पत्तियों की बिछा देंगे। उसके बाद हमने तैयार की हुई राइस हस्क वाली सॉइल को इसमें बिछाया है। फिर हमने एक लेयर और पत्तों की बिछानी है, 1 इंच की पतली सी, और उसके बाद फिर से राइस हस्क वाली मिट्टी को हमें डाल देना है। राइस हस्क बहुत ही आसानी से आपको राइस मिल्स में मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती मिलती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दामों में बिकती है। और अगर आप गांव से रिलेट करते हो तो धान की भूसी के नाम से ये आसानी से 5-6 रुपये किलो आपको मिल जाएगी। 10 किलो लगभग आपके 2 बड़े बोरे में बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये भी एक, हम कहेंगे, टेरेस गार्डनिंग में एक वरदान है राइस हस्क, जो कि आपके
मिट्टी का वजन कम करता है। लोग कोकोपीट का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करता कोकोपीट को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि उसको बाइंड करने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो पेड़ों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देते हैं। अगर आपने कोकोपीट का इस्तेमाल करना है राइस हस्क की जगह, तो उसको अच्छी तरीके से 2 बार पानी से वॉश करने के बाद ही उसको इस्तेमाल करें। नहीं तो राइस हस्क अगर अवेलेबल हो जाता है तो आप इस तरीके से राइस हस्क की सॉइल बना सकते हैं। ये ग्रो बैग बहुत ही अच्छे हैं, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। और ये मैंने कहाँ से परचेस किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वेबसाइट मुझे डिलीवरी क्वालिटी और इनका जिस तरीके से कम्युनिकेशन होता है विद कस्टमर्स बहुत ही अच्छा लगा। इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। आपको जिस भी वेबसाइट में इस तरीके के ग्रो बैग्स अच्छे रेट्स में मिल जाएं वहां से आप परचेस कर सकते हैं, बट इसका डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।